दीक्षित बोली, आपसे नहीं होगा गठबंधन। राहुल भी सहमत, लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को इस पर चर्चा के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित और अन्य नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद शीला दीक्षित ने केजरीवाल के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर विराम लगाया। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। शीला दीक्षित ने 1 मार्च को पार्टी नेताओं के साथ बैठक की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी नेता आपके साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस सबसे मजबूत और पुरानी पार्टी है। जबकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक सभा में कहा था कि अगर आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा भाजपा को होगा। उन्होंने बताया था कि उनकी पार्टी की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस भाजपा को जिताना चाहती है। शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर फरवरी में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें राहुल गांधी और केजरीवाल भी मौजूद थे। इसके बाद राहुल ने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस और आपके साथ चुनाव लड़ने पर बाद में फैसला होगा। इसके बाद तेपेदा प्रमुख चंद्र बाबू नायडू और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राहुल से आग्रह किया था कि वे गठबंधन के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के साथ चर्चा करें। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।